हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरजू, और आप देख पा रहे होंगे कि मैं गेट नंबर 17 पे खड़ी हूँ। और अभी हो रहा है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम 4 बजे ख़त्म होने वाला है। ये स्कूल वालों का लास्ट एग्ज़ाम था, जो कि 11th कॉमर्स का था, इससे पहले 11th आर्ट्स का हुआ था। तो 11th कॉमर्स के जो बच्चे आएंगे, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन उनके इसमें पेपर में पूछा गया था, क्या पैटर्न था, क्या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कुछ मैच कर रहा था, नहीं कर रहा था, टाइम इनफ था या नहीं था, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। कहाँ से आए हैं? बोधी नगर। पहली बार आ रहे हैं जामिया, ये से पहले आ चुके हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है जामिया आकर? अच्छा। कौन सा पेपर देकर आए और कौन से स्ट्रीम का? 11th कॉमर्स। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे? 100। कोई नेगेटिव मार्किंग? नो, कोई भी नेगेटिव। चलिए सिलेबस की बात करते हैं, क्या सिलेबस था कॉमर्स के लिए आपका? CBSE 10th का ही था सारा। हाँ, बट उसमें से भी कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट्स को चूज किया गया था? सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और जीके। जीके के क्वेश्चन? जीके तो ऑलमोस्ट किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, 10th में किसी में नहीं, तो जीके को कहाँ से कवर करना है? वो स्कूल वाले बता देते हैं। स्कूल वाले बता देते हैं। करंट अफेयर्स भी आता है जीके में? जी। किस तरीके के करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ बता सकते हैं? जैसे चीफ जस्टिस, CM, इस तरीके का आता है। और कुछ ऐसा जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, इस तरीके का? इस टाइप का आया नहीं था अभी बार। मैथ्स में जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कुछ बेसिक से पूछे जाते हैं, ज़्यादा चैप्टर 2 जो क्लास 10th मैथ का है उसमें से। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर अच्छा गया है। कितने मार्क्स का पेपर था? मार्क्स तो 100 का था, 100 का। किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है? SST से थे, मैथ से थे, इंग्लिश से, जीके से भी थे। SST में 4 पोर्शन है, चारों में से सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से पूछा गया? SST में ज़्यादा हिस्ट्री में से था और जियोग्राफी में था। कौन से सब्जेक्ट हिस्ट्री में भी, मतलब कौन से चैप्टर में से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन था और जी जो 10th के कट थे उनमें से भी था। ओके, जो मतलब 10th में हटा दिए गए वो सिलेबस में से। और पॉलिटिकल साइंस में से कोई क्वेश्चन? पॉलिटिकल साइंस में से इतने नहीं थे, मिनिमम क्वेश्चन इस थे। ओके, वैसे और बार देखा गया कि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्या इस बार भी थे? इसकी अब की बार मेरे सेट में तो एक ही क्वेश्चन दिखा था मुझे इकोनॉमिक्स से। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है? करंट अफेयर से नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इंग्लिश में? ओके, जीके से कौन कौन से? जीके से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, देखिए जैसे कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और जी ऐसे बेसिक नॉलेज पे। इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था? इंग्लिश में वही थे बस, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से, सेंटेंस, टेंस। कैसा हुआ आपका कॉमर्स का पेपर? कॉमर्स का साइंस अच्छा हुआ है, इजी था, बहुत इजी था। मतलब कितना इजी और किस तरीके के क्वेश्चन थे जो आपको इजी लगे? मैथ्स तो रिलेटिवली बहुत इजी था, बहुत इजी, और जनरल जीके भी बहुत इजी था, और इंग्लिश तो और भी इजी था। और साइंस SST में ज़्यादातर हिस्ट्री पूछा है, पॉलिटिकल साइंस कम, और ज्योग्राफी थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा। जैसे आपने बोला मैथ्स के बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो कौन से चैप्टर थे जो आपको बहुत इजी लगे? ये मैथ्स के कौन कौन से थे मुझे याद करने दीजिए। हाँ, मैथ्स के वॉल्यूम से था, और पॉलिनोमियल से था, और रियल नंबर से था, बहुत इजी थे वो। सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा इन चारों में? सबसे डिफिकल्ट मैम देखिए, वैसे तो मुझे हिस्ट्री आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, तो हिस्ट्री सबसे हार्ड लगी मुझे। ओके, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, ज्योग्राफी से पूछा गया था। किस तरीके के क्वेश्चंस थे? ज्योग्राफी से मैम, वेट, हाँ ये पूछा गया था मैम, वेट मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बता सकते हैं चैप्टर्स? मैम एक पैराग्राफ दिया गया था और उससे पूछा था। तो पैराग्राफ एटलीस्ट किसी से तो रिलेटेड होगा, टेंस से या वर्ब से? उसमें था कि एक समी था, उसका वो बहुत अच्छा पढ़ता था, ठीक है, तो उसके सारे दोस्त जलते थे कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो उसका दोस्त है एक टिमी, ठीक है, वो हर चीज़ मतलब वो कोशिश करता था कि वो पढ़े ना बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि चैप्टर इसमें कौन से टॉपिक को कवर किया गया, प्रेपोजिशन को, टेंस को, किस तरीके? मैम वो तो नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ के नहीं। ओके, PYQ देखा था आपने कुछ भी? नहीं। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका का कुछ नहीं देखा था। 2 घंटे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस क्या था, अभी मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया ही था, तो मुझे कुछ ज़्यादा घबराहट हो नहीं रहा था। मुझे तो अभी एक महीने पहले ही मैंने 2 महीना हुआ 10th का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे उतना कुछ घबराहट हो नहीं रहा था। नॉर्मल क्वेश्चन थे जो अभी मैंने पढ़ी थे 10th में, वही सब क्वेश्चन थे कॉमर्स में, तो उतना ज़्यादा घबराहट नहीं हो रहा था। तो ये स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड से फोकस किया जाता है, लाइक NCERT को बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि NCERT वाले ही पास कर सकते हैं, या ICSE वाले भी, बिहार बोर्ड,
झारखंड बोर्ड वो वाले भी पास। नहीं नहीं, एसएसटी का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स में ज़्यादा था, जो अभी हमने टेंथ में पढ़ा था एनसीईआरटी सेम पूरा क्वेश्चन वही था, कोई चेंज नहीं था। जिनमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जाता वो कहाँ से पढ़े? नहीं, अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो उन्होंने कुछ तो पढ़ा होगा, तो उसके लिए ठीक है, वो हर जगह से आता है, बट एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चंस बता सकते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक को फोकस किया गया था? इंग्लिश में ज़्यादातर एक पैसेज पूछा गया था, उसके बाद बाकी आपको ग्रामर पूछा गया था, ग्रामर पर पूरा फोकस था। एंटोनिम्स सिनोनिम वगैरह? नहीं, वो नहीं पूछा था, वो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट ये सब पूछा गया था, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच ये सब पूछा गया था बस। जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, जामिया स्कूल से भी रिलेटेड। एसएसटी में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से पोर्शन को दिया गया था? एसएसटी में ज़्यादातर ये पूछा गया था, हिस्ट्री पूछा गया था। कैसा हुआ आपके पेपर? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, किस वजह से बहुत अच्छा गया, कौन सा सब्जेक्ट की वजह से? मेरा गया है वो मैथ्स, मेरा अच्छा है, मैथ्स भी अच्छा था और इंग्लिश भी अच्छी है, सोशल ठीक ठाक है लेकिन फिर भी कर लिए। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक थे जो आपको बहुत अच्छे लगे और उन्हीं से सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है? एलजेब्रिक क्वेश्चन थे, ट्रायंगल से भी क्वेश्चन थे, वो सब इजी होता है, हम कर लिए हैं। एसएसटी में कौन सा पोर्शन था जिसमें आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट है? हिस्ट्री। हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन थे हिस्ट्री में, बता सकते हैं? वही डेट्स के बारे में पूछा था और ज्योग्राफी में था, वो मैप, मतलब मैप नहीं था लेकिन फिर भी उसमें हाँ रीजन वगैरह पूछा गया। रिवर्स एंड ऑल इज। जीके में किस टाइप के क्वेश्चन थे? जीके में वही एप्टीट्यूड टाइप्स के क्वेश्चन थे, जिससे मिसलेनियस या करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स जी। मिसलेनियस नहीं कि हाईएस्ट टॉलेस्ट उतना नहीं था लेकिन फिर भी था, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे मिसलेनियस में लेकिन फिर भी थे क्वेश्चन। टाइम आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया, वो टाइम सही है आपके लिए? हाँ सही है। अरे वो पूरा QR MCQ क्वेश्चंस थे, उसमें कोई लिखना वगैरह है नहीं तो सही है। PYQ आपने देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? जी देखे थे। कितने साल के देखे थे? हम तो 2 साल का बस प्रिपेयर किए थे, ज़्यादा हम उस पर फोकस उतना नहीं किए, हम बस अपना वो जो सिलेबस था 10th का वो बस उसे प्रिपेयर किए थे। कितना फ़ायदा हुआ उससे? हुआ है मतलब 30% बोल सकते हैं। 30% क्वेश्चन जो आए थे प्रीवियस ईयर के इसमें थे। अपकमिंग एक्सपीरियंस को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? मेरा यही सजेशन होगा कि हम तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे, वो जरूर देखे क्योंकि हम 2 साल के बस देखे उसमें 30% आ गया है, अगर वो ज़्यादा देखे होते तो कुछ और ज़्यादा आता, ये है। और बस अपना सिलेबस प्रिपेयर रखें फिर सब सही है। सिलेबस मतलब जो 10th में पढ़ाया जाता है, सिलेबस है बस वही। जो दूसरे बोर्ड से बच्चे आते हैं, बिहार बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से या ICSE से, वो NCERT नहीं पढ़ कर आते हैं, तो वो किस तरीके से तैयारी करें? अब इस पे कोई आइडिया नहीं हमको, हम CBSE बोर्ड से। तैयारी कहाँ से की थी आपने? तैयारी हम अपने सेल्फ किए थे। ओके, चलिए फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो आप जामिया के पार्ट। इंशाल्लाह।